भाई कितना फोटो खाए किधर से खाए हमें। को प्रदेश कांग्रेस के सारे कांग्रेस जनों की ओर से ये सदस्यता प्रदान कर रहा हूं। सदस्यता का पर्चा है और ये कांग्रेस की तरफ से माला है। लोग खुद माला लेकर के भी आते हैं लेकिन वर्मा जी और उनके सहयोगियों के लिए कांग्रेस ने ये माला बना करके रखी है और ये बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे। थोड़ा सा आने में विलम्ब हो गया और यहाँ पहले से कोई कार्यक्रम निर्धारित था वो कार्यक्रम चलाना पड़ा। आप सब लोगों को इंतजार करना पड़ा इस घड़ी का, उसके लिए मैं सबसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और मैं एक बार फिर सब की तरफ से सुभाष वर्मा जी और उनके सहयोगियों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। और ये माला भैया वर्मा जी की गाड़ी में जो नमस्कार दोस्तों, मैं मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक गुड़ की। इसमें हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी इस समय साथ हैं। आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, 20 साल तक आप भाजपा के सच्चे सिपाही रहे, आखिर कांग्रेस क्यों ज्वाइन करनी पड़ गई आपको? देखिए, जब घर से आदमी तब जाता है जब उसको पीड़ा होती है। और पीड़ा क्या है? पीड़ा यह है कि हम जब राजनीति चुनते हैं तो जनता की सेवा के लिए चुनते हैं और उसकी उसमें स्थिति ऐसी है कि पार्टी पंचायत चुनाव से भाग रही है, उसने अपने को हारा हुआ मान लिया। कोई भी विधायक चुनाव कराने को तैयार नहीं है। ये जो पंचायत चुनाव है, मैंने पहले भी कहा, पंचायत चुनाव जनता का चुनाव है और जनता के चुनाव से पार्टी भाग रही है। हमने निवेदन किया कि आप चुनाव कराइए, जो ग्रामीण विकास कार्य है वो रुके हुए हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री सुनने को इस बात को तैयार ही नहीं है। क्या नुकसान हो जाएगा? आप मुझे बताइए, चुनाव से क्या नुकसान हो जाएगा? भाई पहले क्या था आपके पास? किसी भी विधायक के पास एक भी जिला पंचायत सदस्य आता नहीं है। और 1995 में पहला चुनाव हुआ था जिला पंचायत का, आज तक भारतीय जनता पार्टी मुझे छोड़ के एक भी कोई भी कार्यकर्ता उनका जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना। सबसे ज़्यादा उनके पिछली बार कितने जीत का है? 3। तो वो लोग कहीं धरातल पे नहीं है, ये खाली बंटवारे की राजनीति करके कि भाई तुम इधर चले जाओ। जब भी आप देखना कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढते रहेंगे जिससे चुनाव में सांप्रदायिकता हो जाए और उनकी नैया पार हो जाएगी। जिस तरह से खानपुर से आप दावेदारी ठोक रहे हैं, खानपुर किस तरह देखते हैं? मतलब चैंपियन अभी विधायक है और उमेश कुमार पत्रकार भी नए रूप में देखे जा रहे हैं, अब दावेदारी आपने खानपुर से ठोकने की बात कर रहे हैं, खानपुर को किस रूप से देखते हैं अगर आपको टिकट देती है कांग्रेस? देखो ऐसा है, उमेश कुमार जी लड़ रहे हैं, चैंपियन जी लड़ रहे हैं, कोई और जी लड़ रहे हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसमें किसी को आप ऐसे ना नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे पार्टी आदेश करेगी चुनाव लड़ने का
तो मैं आप लोग देखना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम इस सीट को जीत करेंगे। वहाँ पे अगर कांग्रेस के दावेदार भी हैं बहुत जो वो कर रहे हैं टिकट की मांग, वो काफ़ी समय से कांग्रेस के सेवक हैं और आप नए नए गए हैं, तालमेल कैसे बिठा पाएंगे आप अपना? देखिए तालमेल क्या है, नए में पुराने में कोई ऐसा नहीं, हम लोग रोज़ मिलते हैं, रोज़ बात करते हैं, हम लोग सब आपस के ही हैं और पार्टी जिसको टिकट देगी वो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं उनके लिए काम करूँ, इतना उनके जिम्मेदारी बनती है कि वो भी काम करें, आपस में तालमेल बैठा के काम करते हैं, कोई ऐसा बाहरी आदमी नहीं है और ये पार्टी पे डिपेंड करता है। अगर उनको टिकट मिला मैं इसमें नाराज़गी दिखाऊँ, ऐसा नहीं है, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए सब काम करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने धावा बोला है कि ऐसे ऐसे काम, मुख्यमंत्री जी को आपने बोला है, वो आखिर क्यों है? मुख्यमंत्री जी क्या आपने अभी बोला है कि जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, मैं मेरी बात नहीं सुनी जाती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप मुख्यमंत्री जी के बारे में आपको बोलना पड़ा? मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन ये किया कि आप पंचायत चुनाव कराइए और आप पंचायत चुनाव कराएं, पार्टी सत्ता में है, अगर ये चुनाव आप नहीं करा पा रहे हैं, इसे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब आप कमज़ोर हैं, आप पब्लिक से मुँह बचा रहे हैं, बचना चाहते हैं, तो इस बात को लेके भी मुझे एक पीड़ा रही है कि आप पहले ही अपने को हारा हुआ मान रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह से हम देखते हैं विधायक के बाद ही अब पंचायत के चुनाव देखे जाते हैं, आप लंबी बैटिंग खेलने के मूड में लग रहे हैं इस बार कांग्रेस? नहीं, चुनाव जैसे होगा पार्टी की पूरी सेवा करेंगे, चुनाव हो जाएंगे विधायक के बाद, विधायकी का चुनाव में पहले काम करेंगे, फिर पंचायत चुनाव में करेंगे, फिर गन्ने के चुनाव में करेंगे, उसके बाद कोऑपरेटिव आएंगे उसमें करेंगे, चुनाव ही रहेंगे, चुनाव में बराबर काम करेंगे और पार्टी को सफलता दिलाने का प्रयास। आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने में इतना समय क्यों लगा दिया जब आपको सब बातें पता थी पहले? कितना समय, मैं 30 साल रहा हूँ, 30 साल रहे हो तो आपको जब तक कोई पता था आपको पहले छोड़ देंगे? इस बार क्या है, इस पार्टी इतनी लचर दिखाई दी, मैंने बोला लचर और लाचार दिखाई दी है पार्टी, कि अपने डिसीजन पे पार्टी यूटर्न ले रही है। दूसरे आप एक बात बताइए, 60 पार कह रही है पार्टी तो, बस 60 पार होगी विधानसभा? अजी ये तो इनके कार्यकर्ता वहाँ हरिद्वार में 70 पार और 80 पार भी कर रहे थे, पता ही नहीं किसी को क्या होना है। ठीक है, कोई कहने से मैं कह दूँ कि भाई यहाँ से 80 सीटें आएंगी, कोई आ जाएंगी क्या? 60 पार हो लिया, जो 60 पार होना था, काट की ना हंडिया एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो आपने देखा सुभाष वर्मा जी हमारे साथ, उन्होंने साफ कहा है कि वो कांग्रेस के लिए सच्चे सपाई की तरह काम करते रहेंगे, अगर पार्टी टिकट नहीं देती किसी और कैंडिडेट को भी देती है उसके साथ भी जमकर वो पार्टी का साथ देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी का कांग्रेस में शामिल होना कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा, मैं इनकी राजनीतिक महत्ता को इस रूप में समझ सकता हूँ कि बतरे हरिद्वार और रुड़की से आए हुए लोगों ने समय समय पर आपके बारे में मुझसे चर्चा की थी कि अगर उनको कांग्रेस में लाया जाए तो कांग्रेस को बहुत फायदा होगा, और आज वो समय आया कि आप हमारे बीच हैं, आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए मैं ये मानता हूं कि हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में ही क्या पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार समय समय पर जो गणमान्य व्यक्ति हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। हरिद्वार जिले की बात करते हैं, कोई और नाम सामने देखा जा रहा है बीजेपी जी से सामने आ रहा है? अभी समय समय पर आपको बताते रहे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 60 पार का नारा दे रही है, वो कुछ नहीं, 60 पार कुछ नहीं, उनका सगुफा है, वो भी जुमला है। सभी युवाओं को अपनी योजनाओं से, अपने हमने जो काम किए हैं उससे जोड़कर कांग्रेस को वोट दिलाने का काम करें और 11 की 11 विधानसभा हरिद्वार जिले से कांग्रेस की झोली में गिरें। ऐसी क्या बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ निभाना पड़ा? कहीं टिकट की लालसा तो नहीं थी किसी के मन में? देखिए, टिकट की लालसा एक अलग विषय है। आप पिछले 1 साल से देखिए, मार्च में कार्यकाल खत्म हो चुका था, प्रधान हो गए, मई में आके जिला पंचायत सदस्य हो गए, BDC हो गए, प्रमुख हो गए, एक बहुत बड़ा जो काम क्षेत्र में होने चाहिए पिछले 6 से 8 महीने हो गए, और तीसरी बार के लिए भी सरकार प्रशासक को कार्यकाल नियुक्त कर दिया है जिसमें अधिकारी भ्रष्टाचार करने को आतुर बैठे हैं कि भाई मेरे पर प्रशासक का कार्यकाल आएगा और सारे पैसे जेब में। तो ये चीजें अब चुनाव के समय में क्यों याद आ रही हैं? चुनाव के समय में नहीं, मार्च से हम लगातार सरकार को बोल रहे हैं। मार्च में ज्वाइन करने को जो कांग्रेस, हम मई में हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, मई के बाद आप किसी को टाइम दोगे, उस समय कोरोना आने वाला था, उन्होंने 6 महीने का प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाया, हमने कहा कि भाई 6 महीने हो गए आपको, प्रशासक का कार्यकाल अब समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि अब कोरोना यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन सरकार ने फिर से 6 महीने का कार्यकाल लागू किया, उसके बावजूद फिर हमने कहा कि भाई आपको ये गलत कर रहे हैं, आप प्रयास करें कि भाई ये चुनाव हो, आप चुनाव से ना भागें। उसके बाद सरकार अमेंडमेंट लाई अभी बिल में कि एक बार और प्रशासक का कार्यकाल, यानी कि 1.5 साल बिना प्रतिनिधि के, जनप्रतिनिधि के गाँव में कार्य होंगे नहीं होते,
ये आप सोच के देखना कितनी बड़ी योजना है। विधायक निधि कितनी, 4-5 करोड़ साल की। सारे प्रधान, सारे BDC मेंबर, प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, इनकी सारी निधि मिला के अगर आप हरिद्वार जिले की देखें तो कितने करोड़ की बैठती है। कहीं 100 करोड़ रुपए की निधि, जो विकास कार्य सड़क पर होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। सीधे सीधे सरकार चुनाव से घबराई। हमने कहा, हम माननीय अध्यक्ष जी ने कहा सीट निकाल कर लाने की जिम्मेदारी हमारी, हमने 1.5 साल के अंदर इतना कार्य किया है उस क्षेत्र में। कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है ढील दी है पंचायत चुनाव में, वो आप में दिख रहा है आक्रोश लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, आप गांव में जाके देखिए, प्रत्येक जो प्रधान पूर्व प्रधान रहे हैं आप जाके उनसे बात करिए, कितने दुखी हैं लोग। राशन कार्ड बने, कोई भी आप काम है ना छोटे छोटे, क्या होता है आप जाओगे किसके पास, प्रधान के पास। प्रधान आपको आगे लेके जाता है कि भाई चलो। हर आदमी DM SDM के पास नहीं जा पाता। प्रधान हो गया, BDC मेंबर हो गया, जिला पंचायत सदस्य हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, ये लोग क्या है, छोटी जनता को, छोटे जो आप छोटी छोटी जो जनता की समस्या है उन्हें लेकर आगे तक बढ़ते हैं। गांव में किसी के सड़क बननी है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं।